जय शिंदे भैया, मेरा नाम शिंदा राम है। कहाँ से आए आप? मैं पंजाब से हूँ। अच्छा, धर्मपुरे से। अच्छा, जो तो मैं भैया के बताए अनुसार देसी गौ का दीप का पहले दिन अर्पण किया ना जी, तभी मेरी शक्ति बंधी बंधी रहती थी पहले। मान लो देव दर्शन मुझे होते नहीं थे, खुलकर नहीं होते थे। अच्छा। मन की तृप्ति नहीं होती थी। जब मैंने पहला दीप अर्पण करा देसी गौ का, तो देवी देवते ऐं खुलकर आए। मान लो ऐन स्पष्ट हो गया, जब मैं क्लियर मुझे देव दर्शन हुए और मेरे पितर भी खुलकर आए। थोड़ी सी मुझे पितर बाधा भी आई, उसका मैं यहाँ पर क्रिया इलाज शुरू करवा दिया है और मुझे उससे पूरा लाभ हुआ। उसके बाद मैं गेहूं के दीप से मान लो कई समस्या में गर्कियां जो कोई सभी हल हो गई। और दृष्टि का क्या अनुभव आपका? दृष्टि मेरी खुल गई है भैया। अच्छा, शनिदेव महाराज के हाथियों के भी दर्शन हुए, शनिदेव महाराज के भी दर्शन हुए और भी देवी देवताओं के मेरे जो इष्ट हैं उनके दर्शन हुए। एन पूरे खुलकर स्पष्ट रूप में दर्शन हुए, शनिदेव महाराज के दूतों के दर्शन हुए। स्वप्न में हुआ आपके साथ? ना, जब करते हुए, जब करते करते खुली आंखों से। हाँ, खुली आंखों से। बहुत बढ़िया, आपकी दृष्टि खुली। हाँ, दृष्टि खुली कैसे? जो पिछली बार जग किया था भैया ने, हाँ जी, उस समय मुझे हाथी घूमते घूमते आ रहे थे मेरे पास। अच्छा अच्छा, हाथी सिंगों वाले दूत आ रहे थे लालू। ओहो, और भी देवी देवते, एक माता थी बहुत सुंदर रूप में जहाँ पे खड़ी थी वो, हाँ जी, त्रिशूल के लबे, वो एक माती दी थी मैंने। और भी देवी देवते जैसे एक चिट्टे कपड़े में बाबा था, उसका नाम नहीं मुझे पता। हर्ष भैया और मनु भैया भी आए थे, इनके भी दर्शन, इनके तो होती रहती है मुझे, ये आते हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और बहुत बढ़िया अनुभव रहा मेरा। मुझे 5-4 दिन हुए हैं देसी गौ का दीप अर्पण करते हुए। पूरा भैया एक दीप का एक जग के समान है मेरे, एक दीपक एक यज्ञ के समान है आपका। मुझे उस जैसा अनुभव कभी नहीं हुआ। ठीक है जी, ना कभी देखने को मिलेगा। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।